अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल ऑल बी फाइन। आई एम टीचर नाजिश ऑफ क्लास 5। टुडे वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 12। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 87। हम लोगों ने पेज नंबर 86 तक रीडिंग किया था उस दिन। आज हम जो है पेज नंबर 87 पर रीडिंग करेंगे। हम पढ़ेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में मज़ीद, कि जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो जंग आज़ादी हुई थी 1857 में, उसकी कॉजेज क्या थी। हम उसके बारे में रीड आउट कर रहे थे। द मेसीज डिड नॉट नो इंग्लिश, सो दे वर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स आर वर्क्स। यानी कि क्या थे कि वहाँ के जो लोग थे, जब वहाँ पर ब्रिटिश राज आ गया, जब वहाँ पर बरतानिया के या जो दूसरे लोग थे वो आ गए, तो क्योंकि वो इंग्लिश थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो वहाँ के लोगों के वो इंग्लिश जानते नहीं थे, तो वहाँ की हुकूमत में उनको जॉब्स मिलना या काम मिलना मुश्किल हो गया। सो दे वर सम एथिकल इशूज़ एज दे वर दे हर्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ द लोकल्स। लेकिन जो उनके जज्बात थे वो भी ख़त्म, क्योंकि जो उनकी अखलाकियात थी वो हमारी अखलाकियात से टोटली डिफरेंट थी। तो फिर क्या हुआ, द ब्रिटिश डेवलप द सब कॉन्टिनेंट इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम इन पाकिस्तान कम्स फ्राम द वर्क्स ऑफ द ब्रिटिश राज। लेकिन ये नहीं था कि सिर्फ जो ब्रिटिश थे उन्होंने काम नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश राज था उसने बर्रे सगीर के अंदर मुख्तलिफ काम किए। जैसा कि ये हमारा जो रेलवे सिस्टम है जो आजकल पाकिस्तान के अंदर है, ये तमाम जो रेलवे सिस्टम है ये ब्रिटिश राज का ही बनाया हुआ है। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम द लोकल्स बिकेम पुअरर। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो मकामी लोग थे वो गरीब से गरीबतर होते गए, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं थी, उनके पास कोई काम नहीं था। मुस्लिम्स जो थे वो हार्डेस्ट हिट कम्युनिटी ऑफ द राज, बिकॉज डिड नॉट इवॉल्व विद द राज। क्योंकि जो मुसलमान थे वो तो बिल्कुल ही हुकूमत के साथ जो वो ऐड नहीं थे। हिंदू तो या जो दूसरे जो हिंदू थे वो तो फिर भी कुछ ना कुछ अटैच थे उसके साथ, लेकिन मुसलमान जो थे वो बिल्कुल हुकूमत से उस बिल्कुल दूर थे, तो वो तो बिल्कुल ही है वो उनकी हालत जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती गई। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द लीडर्स डिड अ कैंपेन सेइंग दैट इंग्लिश वाज अ एवल लैंग्वेज एंड मुस्लिम्स शुड नॉट लर्न इट। क्योंकि मुसलमानों ने तो एक तहरीक चलानी शुरू कर दी थी रहनुमाओं ने कि इंग्लिश जो है वो एक बुरी जबान है, वो मुसलमान कोई भी इस जबान को नहीं सीखेगा। द मुस्लिम्स फॉलोड दिस थिंकिंग कंसिक्यूटली। मुस्लिम्स हैड नो जॉब्स एंड वर मोस्टली अनएम्प्लॉयड। अब हिंदुओं ने क्या किया था, वो तो कुछ ना कुछ इंग्लिश सीखने लग गए थे, उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई, लेकिन मुसलमान जो थे उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि इंग्लिश जो है वो एक एवल लैंग्वेज है, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, तो उसने कहा कि जो उनको तो फिर मुलाजमतें ना मिली, कोई जॉब ना मिली। दिस जो था, दिस थिंकिंग वॉज चेंज अनटिल सर सैयद अहमद ख़ान बिकेम अ पोलिटिकल लीडर। और ये जो सोच थी मुसलमानों की इवल इंग्लिश लैंग्वेज वाली, वो सर सैयद अहमद ख़ान ने चेंज की जब वो एक पोलिटिकल लीडर के तौर पर सामने आए। ही इनकर्ज्ड मुस्लिम यूथ टू लर्न न्यू स्किल्स एंड द न्यू लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द राज। उन्होंने मुसलमानों के जो नई जनरेशन थी, जो मुसलमानों के नौजवान थे, उन्होंने उनको इस चीज़ की तरफ लेके आए कि तुम आप लोग जो हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे या नई नई जुबानें सीखेंगे, तो आप जो राज की हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं, वरना तो वो बिल्कुल एक साइड पर लग जाएंगे। जब वो आगे आएंगे, उसकी लैंग्वेज को सीखेंगे, उनके साथ जो डिस्कशंस करेंगे, तो वो अपने जो हैं उनके डिसीजंस पर असरअंदाज होंगे। हाउएवर अ लॉट ऑफ डैमेज हैड बीन डन बाय द, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। रिफ्ट्स बिटवीन लोकल कम्युनिटीज़ एंड बिगन द लोकल इंडियंस फेल्ट दे वर बीइंग जो था वो सेटलमेंट बाय द ब्रिटिश राज। लेकिन ये कि ब्रिटिश राज की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो नुकसान तो पहले मुसलमानों का बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो अब क्या था कि द लास्ट नेल इन द कोफिन, यानी कि ताबूत में आखिरी कील का काम ये किया था ब्रिटिश राज ने, कि उन्होंने एक नई कार्टेज जो थी वो मुतारिफ करवाई लोगों में। कार्टेज क्या थी, वार ग्रीज्ड विद द पिग एंड काउ फेट। अब वो किसके साथ उन्होंने बनाई गई थी, पिग एंड काउ फेट, पिग यानी कि जो थे और काउ फेट से बनाई गई। पिग वॉज रिपगमेंट टू द मुस्लिम्स एंड काउ वॉज गे टू द हिंदूज। अब पिग जो थी, जो पिग है वो तो मुसलमानों में वो जो जैसा कि हमारे इस्लाम के अंदर जो पिग है या पिग से बनी किसी भी चीज़ को हराम तस्वर किया जाता है, सुअर या सुअर की किसी भी चीज़ को, तो क्या था, और जो गायें थी वो हिंदुओं को स्केयर कर रही थी, उनको ख़तरा था उससे, क्योंकि वो गाँव को गाय की तो वो पूजा करते थे। तो ये दोनों चीज़ें जो थी ये मुसलमानों और हिंदुओं के लिए जो है वो नाकाबिले कबूल थी। द लोकल सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द गन्स एंड रिवॉल्टेड। अब जो लोकल जो लोग थे, जैसे कि अगर अब सोल्जर्स थे या सिपाही थे, जैसे जिसमें मुसलमान और हिंदू शामिल थे, उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल जो है वो गन्स वगैरह नहीं चलाएंगे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया देर वार रिबिलियंस। अब कुछ जो इलाके थे उनमें ये बागी हो गए वो। द ब्रिटिश
मर्सिलेसली स्लॉटर्ड लोकल सोल्जर्स, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत बेरहमी से बहुत ज़्यादा सिपाहियों को उन्होंने स्लॉटर्ड कर दिया था, उनको जो था उनको उन्होंने जो है वो कुर्बान कर दिया था, स्लॉटर्ड कर दिया उनको। एंड प्रिंस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड सप्लाइज द रिवॉल्ट वॉज क्रश्ड एंड ओवर थ्रोन। हाउएवर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ब्रॉट टू एन एंड एंड द ब्रिटिश टुक ओवर द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इसी तरह जो थे जब ये सारी क्राइसिस इंडिया के पास आए, ब्रिटिश राज के पास की क्राइसिस आना शुरू हुआ, तब जो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने वो गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया में उनकी कमज़ोर होना शुरू होगी। आल लोकल्स वर सब्जेक्ट ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, लेकिन तमाम जो लोग थे जो कि इंग्लैंड के और सब कॉन्टिनेंट के, वो एक जो थे वो क्वीन के अंडर जो थे। थ्रू अ विक्ट्री द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर 89 ईयर्स, यानी कि जो थे ये जो लोग थे जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ थी उस वक्त, जो उन्होंने तब तक जो है वो इंडिया के ऊपर जो है उन्होंने हुकूमत की थी 89 ईयर्स तक, यानी कि सब कॉन्टिनेंट पर उनकी हुकूमत 89 ईयर्स तक रही थी। अब यहाँ पे थी, अब ये देखें कि ये जब सारी चीज़ें हो रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनी, जब देखा कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के हकूक जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, दोनों को अपनी जो है मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिल रही, दोनों को अपने जो है वो कोई भी उनको जॉब्स वगैरह या कोई भी उनको काम नहीं मिल रहा, तो तब इन दोनों ने आपस में इत्तेहाद किया, मुसलमानों ने और इंडिया ने, तो एक जमात बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। To protect their rights, the local leaders formed a party, All India Muslim League, in 1906. The members of this party believed that only Indians, Muslims and Hindus both should be allowed to run the country. अब इसमें क्या था कि इसमें यह था कि उन्होंने ये देखा था कि जो सिर्फ जो लोकल्स रहने वाले लोग हैं मुसलमान हिंदू, वही सिर्फ अपने हुकूमत को चला सकते हैं, अपने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक यूनिटी बना के एक टीम बनाई थी, एक अपनी एक जमात बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, वॉज फाउंड बाई लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस हु लेफ्ट कांग्रेस वॉज डिसएग्रीमेंट। अब देखें इसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन के फिर कायदे आजम के जो 14 पॉइंट्स थे वो सामने आए। कायदे आजम के 14 पॉइंट्स कैसे सामने आए कि जब इंडियन की जो नेशनल कांग्रेस थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेट इन 1922 टू रिपोर्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक हम नया आइन बनाते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम एक नया आइन बनाते हैं इंडिया के लिए, तो उन्होंने एक अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था नेहरू रिपोर्ट का। किसका नाम दिया? नेहरू रिपोर्ट का। जब उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट उनकी पब्लिश हुई तो उसके अंदर भी पाक मुसलमानों के सारे हकूक उन्होंने जो थे वो ख़त्म कर दिए थे, कि वो जहाँ पर जिसकी अक्सरियत थी वहीं पर उसको जो है वो उन्होंने जो इंडियंस थे उनको ज़्यादा जो है वो उन्होंने एडवांटेजेस दिए, मुसलमानों को नहीं दिए। तो नेहरू रिपोर्ट के बदले में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक पॉइंट्स पेश किए जिनको कायदे आज़म 14 पॉइंट्स का नाम दिया गया, जिसके अंदर ये चीज़ उनको वाजह कर दी गई थी कि जो है वो मुसलमान जो हैं वो चाहे वो मिनॉरिटी है, वाज दैट द मिनॉरिटीज शुड गेट द इक्वल राइट्स, कि जहां पर चाहे वो मिनॉरिटी है चाहे वो जो है वो मेजॉरिटी है उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मिनॉरिटीज़ हैं या मेजॉरिटीज़ हैं शुड गेट इक्वल राइट्स। द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस प्रपोजल क्लेमिंग दैट द इंडियंस वर बींग डिवाइडेड, लेकिन इसमें जो थे वो इंडियंस उन्होंने कांग्रेस ने इसको कबूल नहीं किया कि इस तरह तो जो है वो इंडिया जो है 200 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कायदे आजम ने कहा वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया था। रिलीज दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी द पार्टी वुड नाउ फाइट ओनली फॉर द राइट्स ऑफ अ मुस्लिम। फिर जो कायदे आजम जो थे उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इकट्ठे फाइट नहीं करेंगे अपने राइट्स के लिए, बल्कि हम सिर्फ फाइट करेंगे मुसलमानों के राइट्स के लिए। अब ये जो थे ये उनके हैं, देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को जो है वो बनने से रोक सके। ये कायदे आजम के जो थे ये उनके जो थे अल्फाज थे। ठीक है।